हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन का डे है। आज मेरे 4 में से 2 दांत निकाल दिए जाएंगे और आज मेरे साथ ही रहेंगी मेरी बहन जी। ये मेरे साथ चलेंगी आज। एक्सक्यूज मी, हेलो बोलो। तो प्रिया और मैं आज जाएंगे। अभी 12 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद मेरा सेशन है। ये मेरे साथ खेल रही है, गुटर गु कर रही है और देखते हैं कितना पेनफुल रहेगा हमारा आज का सेशन। जो कि डर तो मुझे है ही, जिस वजह से 20 अप्रैल को मेरे ये तार लगे थे बस 6 दांतों पर। हाँ, और उसके बाद मैं 20 अप्रैल से फेस्टिवल हुए, फिर उसके बाद बुखार हुआ, तो ऐसे डिले होता तो चला गया काम। और अब जाकर फाइनली ये 2 दांत मेरे या तो आज ऊपर या नीचे के वही निकलेंगे। पहले चारों ही एक साथ निकाल रहे थे, फिर उन्होंने चारों मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा 2 पहले 2 बाद में। तो आज हम देखते हैं कितना दर्द होता है, क्या होता है। होपफुली वहाँ रिकॉर्ड कर पाएँ तो आप सब देख भी पाएंगे, लेकिन देखते हैं कितना क्या रिकॉर्ड हो पाएगा। ओके, अब चलते हैं, मिलते हैं सीधे क्लिनिक पर जाके। अब टाइम हो चुका है 12:45। मम्मी काफ़ी डरी हुई हैं, फिर भी हम चल देते हैं और 1 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना भी है। चलो पार्टनर। यस हेलो। ये हो चुका है, प्रीति के 2 दांत एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं। शो मी योर फेस। हेलो यार, मुझे पता नहीं लग रहा भाई। ये हैं इसकी दवाइयाँ जो इसको 3 दिन तक खानी है। आई डोंट नो, मेरा मुंह पूरा सुन्न है यार, पता ही नहीं लग रहा यार क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इंस्ट्रक्शन बोलो। इंस्ट्रक्शन है ये कि इसको क्या नहीं करना है। दांत निकालने के बाद रखी गई रुई को आधे घंटे तक दबा कर रखें। सोचकर ये ना सोचे कि टूटा हुआ है दांत और जी वहाँ पे बार बार लगाते हैं हड्डियों ऐसा। अरे लगता है ना कि हड्डी है, ऐसा रहता है क्योंकि ऐसा करने से लिखा है इसमें, इसमें संक्रमण और सूजन इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। फिर दांत निकालने और सर्जरी के बाद और पहले 8 घंटे तक दांतों पर ब्रश ना करें, यानी तुझको तुझे कल भी नहीं करना है ब्रश। कल दोपहर तक करियो, मतलब 11 बजे। अच्छा, बस यही। कॉटन बहुत ज्यादा लाल हो गई है। आए हाय, दबाना दबाना दबाना। हाँ भैया, बताएगी मुझे कैसा लगा इसे देख, इसे मुझे देख के कैसा लगा बोलो। दांत ऐसे तरीके से, डॉक्टर है वही तरीके से ही निकालेगा। मैं जैसा टीवी में दिखाते ना प्लाजा चक्कीदा, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा नहीं करा, पर उन्होंने तेरी जड़ें खोली। हाँ। साइड में पतला डाल के ना, जिसे हम कहते नहीं ऐसे खून आ रहा है। हाँ। ये ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने घिसा था तेरा।
घिसके उन्होंने वो उस जड़ को कमजोर कर दिया अंदर यहाँ का। अच्छा, फिर उन्होंने डाला प्लास, खचक, तीन स्टेप में हुआ। पहले करा, फिर उन्होंने क्या कहते हैं वो लग घिसा अंदर से जहाँ कच्चा करने के लिए। अच्छा, अंदर ना मसूड़ों के ऊपर। हाँ। उन्होंने ऐसा पकड़ा, खींच दिया। ओह माय गॉड, वो खींचा तब तेरा खून ही खून, खून ही खून। ओह गॉड, अरे फिर से आ गया। 15 अभी 15 मिनट हो चुके हैं ऐसे मुंह में डाले हुए, इसका खून ज्यादा आ रहा है। बोल मत तू। ये है इसके अभी के सिम्टम्स, थोड़ा सा सर झनझन आ रहा है क्योंकि शायद एनेस्थीसिया वगैरह दिया था ना, अभी तक असर है और खून आ रहा है जिससे ये पट्टियाँ पूरी लाल हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से। हमने इसको ये दिया है कि तू इसमें थूक, बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं है। प्रीति अभी हमने डॉक्टर अंकल से बात की है तो क्योंकि इसको खून आना था अभी भी मुंह से, तो उन्होंने बोला है कि इस चिंता मत करो, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। सबसे पहले आप ठंडे पानी से जो भी उल्ला उल्ला किया है इसने वो करा के इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ ठंडी, और आइसक्रीम खिलाइए। उससे अगर नहीं होता है 1% चांस होता है कि नहीं रुके, पर उससे रुक जाएगा। नहीं रुकता है तो फिर वो एक टैबलेट बताएंगे वो देनी है, और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खिलाने के बाद इसको फिर से दवाई देनी है। अब इसको खिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए वो डर के मारे मम्मी के पास जा रही है, और मम्मी मम्मी ज्यादा डर रही है उससे। अभी मेरा मुंह सूजा है, ऊपर का तो खोल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा हूँ, नीचे का हिल रहा है, दांत दिख ही नहीं रहे। ऐसे बता भी नहीं लग रहा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है। मुझे मेरा अपर लिप अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, सिर्फ लोअर लिप में मूवमेंट है, और ये जगह तो वही सुन रहा है। ठंडा 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 खाना है, जीभ नहीं लगानी वहां पे। मैं आपको अपना दांत दिखाती हूँ। So this is how I'm feeling right now. यहाँ और यहाँ swelling है, मेरा मुँह खुलने में थोड़ी तकलीफ है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही, और जो tablets दी हैं डॉक्टर ने उससे काफ़ी आराम है, जिससे रात में दर्द शुरू नहीं हुआ। तो इस मंथ के एंड तक मेरे ख्याल से सिर्फ पूरा ऊपर ही ब्रेसेस लगेंगे, नेक्स्ट मंथ नीचे का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें मुझे अभी डॉक्टर ने बताया। अभी मैं से आराम करती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती, ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ओके okay?
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ओके बाय बाय.